हेलो गाइस, सो हमने पिछले ट्यूटोरियल में एक राउटर, दो स्विच और जितने भी आप चाहो उतने पीसी को कनेक्ट कर सकते हो, उसके बीच में हमने नेटवर्क बनाया था, मैसेज पास किया था और मैसेज एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे भी जा रहा था और हमारा सिंपल नेटवर्क में भी जा रहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। सो आज हमारा टास्क है कि हम दो राउटर्स के बीच में दो अलग अलग नेटवर्क्स, मीन समझ लीजिए दिल्ली का नेटवर्क है, मुंबई का नेटवर्क, ऐसे समझ लीजिए, तो हम इनके बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसे कि ये मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में दिखा चुका हूँ आपको कैसे बनाना है, ये हम कनेक्शन कर चुके हैं। सेम इसको देख के आपके लिए, आपके लिए टास्क है कि आपको ये बनाना है सेम एज इट इज़, जो ये है भाई, ये है भाई। यहाँ पर हमने एक एक पी सी लगाया है सिंप्लिसिटी के लिए, हम इसमें 10 PC भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फॉर सिंप्लिसिटी और यहाँ पर भीड़ भक्कड़ लगेगी इसलिए हमने थोड़ा कम रखा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने आईपी रखा है 1.2। ओके, फर्स्ट नेटवर्क है ये, यहाँ पे हमने आईपी रखा है 1.3, मतलब फर्स्ट नेटवर्क का दूसरा पीसी, ये फर्स्ट पीसी रहा है, सेकंड पीसी रहा, ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क का, देख लीजिए आप, ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क का, ऐसे दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट नेट सेकेंड नेटवर्क का फर्स्ट पीसी। टू से हम स्टार्ट इसलिए करते हैं कि वन को हम इसे डिफॉल्ट के लिए रखते हैं हम, इसलिए हम टू से स्टार्ट करते हैं। ये टू है ना, इसको हम याद रखिए ऐसे, ठीक है? तो टू, और डिफॉल्ट गेटवे के लिए हमने वन रिजर्व कर दिया है। ओके, तो टू मतलब फर्स्ट, थ्री मतलब सेकेंड, फोर मतलब थर्ड। ओके, तो ये सेकेंड नेटवर्क का थर्ड है, सेकेंड नेटवर्क का फर्स्ट पीसी है। तो ये फर्स्ट नेटवर्क का फर्स्ट पीसी, फर्स्ट नेटवर्क का सेकेंड पीसी, ये सेकेंड नेटवर्क का फर्स्ट पीसी। ओके, तो ये वन नेटवर्क, ये दो नेटवर्क, इनके बीच में हमने राउटर लगा दिया, तो ये इस नेटवर्क से इस नेटवर्क हम जा पा रहे हैं। ओके, अब हमने ये किया, एक और अलग से नेटवर्क बनाया है, इसमें है ना, ये हमारा है नेटवर्क 3.2, माने थर्ड नेटवर्क का फर्स्ट पीसी, ये थर्ड नेटवर्क की फोर्थ नेटवर्क, फर्स्ट पीसी को हम रिप्रेजेंट करें टू से, 3.2, तो इससे कर सकते हैं। सो इतना आपको आना चाहिए अगर हमने पहले वीडियो देखी। फिर हमने इसकी राउटर में हम गए, इसके फर्स्ट इथरनेट को हमने ऑन किया और इसमें हमने इस थर्ड नेटवर्क का एड्रेस डाल दिया, हमने इसके फास्ट इथरनेट वन में, इसके फास्ट इथरनेट वन में, ये देखिए आप, ओ सॉरी, या हाँ देखिए, हमने इसके फर्स्ट फास्ट इथरनेट में 3.1 डाला, ये 3.1 है थर्ड नेटवर्क का फर्स्ट पीसी। ओके, और इसमें हमने क्या डाला है, फोर्थ नेटवर्क का फिफ्थ। ओके, इसमें हम डिफॉल्ट टाइप डालते हैं और देख लीजिए, इस नेटवर्क का आईपी है 4.2। ओके, तो हमने राउटर में इसकी फास्ट इथरनेट टू में हमने डाला है 4.1। ओके, ये फोर माने फोर्थ नेटवर्क और वन माने डिफॉल्ट गेटवे, टू थ्री फोर माने नंबर ऑफ पीसीज। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारा फर्स्ट राउटर बन गया है, ये हमारा सेकंड राउटर बन गया। अब हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना है, स्वेट अगर हम मैसेज यहाँ से यहाँ भेजें तो वो भेज पाए, तो कैसे करेंगे, ये आप देख रहे होंगे एक रेड कलर की जिगजैग वायर है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, DCE वायर है, क्लिक किया और एक ध्यान दीजिए, इसको हम फास्ट इथरनेट से नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे सीरियल से, सीरियल टू से करा हमने और इसके सीरियल टू से। ओके, ये कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हम इस पे जाएंगे, यहाँ सीरियल पे जाएंगे, सीरियल टू, हमने सीरियल टू को इसको यहाँ ऑन कर लीजिए, मेरे यहाँ ऑन था अभी। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक नया नेटवर्क बनाएंगे, नया नेटवर्क बोले तो हमने इस पीसी के लिए एक नया नेटवर्क बनाया था वन, इस पीसी के लिए नेटवर्क, सॉरी, इस स्विच के लिए हमने एक नया नेटवर्क बनाया था वन, इस स्विच के लिए बनाया था हमने टू नेटवर्क। ओके, इस स्विच के लिए हमने नेटवर्क बनाया थ्री, इस स्विच के लिए हमने बनाया फोर। ओके, अब इस राउटर के लिए ये भी तो एक नेटवर्क ही है, तो इसके लिए हम नया नेटवर्क बनाएंगे फाइव। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट राउटर है तो हमने इसका नाम रखा 0.2। ओके, सेकेंड राउटर होगा तो 0.3, थर्ड राउटर होगा 0.4। ओके, तो हमने इसका रख दिया नाम 0.4। ओके, अब डिफॉल्ट गेटवे आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम इस पे जाएंगे, इस वाले राउटर पे, और इस सीरियल 2.0, ठीक है? अब जो कि ये फर्स्ट नेटवर्क का फिफ्थ नेटवर्क का फर्स्ट पीसी था, ये फिफ्थ नेटवर्क का दूसरा पीसी है, तो 5.3 डिफॉल्ट गेटवे, डेट्स ऑल।
ये हमारा हो गया इतना काम। अब है ना, अगर आप इस मैसेज यहाँ से यहाँ मैसेज भेजेंगे जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ पी सी, तो हमें राउटिंग टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो राउटिंग टेबल का है, इधर हम गए और हम अब यहाँ सारे पी सीज का राउटिंग टेबल डालनी है। तो ये हमारा फर्स्ट नेटवर्क है, सेकेंड नेटवर्क है, थर्ड नेटवर्क है, और ये खुद का भी नेटवर्क डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये इधर से इधर कम्युनिकेशन कर रहा है ना, हमें सब मेंटेन करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ हमने डाला वन डॉट, अब यहाँ हम जीरो कन्वेंशन लेके चलते हैं, जीरो। ओके, तो वन डॉट जीरो एड, अब हमने किया टू डॉट जीरो, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार काम आएगा। इसको हमने ऐड कर लिया, ये वन टू, अब थर्ड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क। अब हमारे इस राउटर की ये तीनों पीसी कनेक्टेड हो गए तीनों। ओके, सॉरी 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 फॉर डैट, ये नहीं देखना, हमें स्विच देखना है, नंबर ऑफ स्विच कितने, दो हैं, तो दो, ये इसको हटा दो, रिमूव, सॉरी फॉर डैट। ओके, तो ये फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड, दो नेटवर्क थे इस राउटर में, तो फर्स्ट नेटवर्क सेकंड नेटवर्क कनेक्ट हो गया। अब जो कि हमें इस नेटवर्क से, हमें इस नेटवर्क को भेजना है, तो ये इसका नेटवर्क कहता है फाइव, तो हमें इसमें फाइव ऐड करना पड़ेगा, तो फाइव और ऐड कर दीजिए। ओके, ये हमने ऐड कर दिया, डन। अब सेम यही चीज़ इसमें कर लीजिए, इसमें अब ऐसा था कि हमारे राउटिंग टेबल में ये वन टू थ्री फोर, तो थ्री फोर और फाइव हमें ऐड करना है, तो सिंपली कर दीजिए, ये हमारा थ्री, सो आप देख सकते हैं मैंने थ्री फोर फाइव ऐड कर दी, थ्री थर्ड नेटवर्क, ये फोर्थ नेटवर्क और फिफ्थ नेटवर्क, यहाँ पे फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क, इसको हमने कर दिया ऐड। अब हमारा ये दो राउटर कनेक्ट हो चुके हैं। अब सिंपल हम सिमुलेशन मोड पे जाते हैं और यहाँ पे हम ये सिंपल मैसेज लिया, ये हमने लिया यहाँ से लिया हमने यहाँ पे, जो कि मेरे इसमें पहले के ही कुछ ये हैं डले हुए, आप देख सकते हो, तो ये भी सब पे रन होंगे, तो इकट्ठे तीन पैकेट रन होंगे। चलिए देखते हैं, हमारा पैकेट है ये वाला, ये पहले यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया। ओके, अब ये यहाँ पहुँच चुका है, अब हमने इसको फिर किया तो अब ये वापस आया एक्नॉलेज के लिए। ओके, फिर ये, अब आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पहुँच गया। ओके, यहाँ पहुँच चुका है हमारा पैकेट, यहाँ से लेके इस राउटर तक पहुँच चुका है, हमने इसको फिर किया, अब इस राउटर ने स्विच भी फेंक दिया। ओके, फिर हमने इसको किया, ये इधर आया। ओके, ये देख सकते हैं आप, आप समझ सकते हैं अभी इसमें क्या है, एक्चुअली में तीन तीन पैकेट चल रहे हैं, एक पैकेट यहाँ से यहाँ चल रहा है, एक पैकेट यहाँ से यहाँ चल रहा है, एक पैकेट हमने यहाँ से यहाँ चलवाया है, तो आप देख सकते हैं तीन तीन पैकेट इकट्ठे, तो ये सब एक साथ रन कर रहे हैं, तो हमारा पैकेट एकदम करेक्ट रन कर रहा है। आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि राउटर पे आगे क्रॉस हो जा रहा है, राउटर के यहाँ जा रहा है, ये देखिए राइट लग गया, माने यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, तो डेट मीन्स ये करेक्ट एकदम रन कर रहा है। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन मार्क, माने सब सही है। देखिए आप इस इधर से इधर वापस गया एक्नॉलेज के लिए, ये वापस एक्नॉलेज आ गया, राइट लगेगा, डेट मीन्स हमने यहाँ से जो मैसेज भेजा था वो यहाँ रिसीव हो चुका है, उसका एक्नॉलेज भी आ गया यहाँ पे, तो डेट मीन्स ये हमारा एकदम फ्रूटफुल रन हो गया। तो आपको अब आई थिंक दो राउटर को कैसे कनेक्ट करते हैं समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।